हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं चंदन कुमार और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल बिहार डेलीगेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेके आया हूं लाइव टेस्ट, जो कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए है। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा कि आप लोग कितना प्रिपेयर है, तो आप लोग फटाफट इस सवाल का जवाब देंगे। तो चलिए आज का क्विज जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर पहला सवाल आ रहा होगा। पहला सवाल आ रहा है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, कांची, तक्षशिला, नालंदा या बल्लभी। तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। आप लोगों के पास 10 सेकेंड का समय है, इसका जवाब सिर्फ 10 सेकेंड में देना है। तो चलिए, काफी सारे बच्चे सही जवाब भी दे रहे हैं, कुछ बच्चे ए लिख रहे हैं, कुछ सी लिख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका सही आंसर। देखिए, इसका सही आंसर जो था वो नालंदा था, जिन्होंने सी जवाब दिया था उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। दोस्तों, ये आज आप लोगों के लिए टेस्ट है जिसमें कि आप लोग अपना चेक कर पाएंगे, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस क्विज में जुड़ पाए। तो अगला सवाल देख लीजिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। आपके लिए अगला सवाल यही है कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है, और आपका ऑप्शन है चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन। तो फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, जवाब आप लोग बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं, लेकिन आप लोग के जो आंसर उसमें काफी लोग अलग आता है, किसी का बी आता है, किसी का सी आता है। तो चलिए मैं आप लोग को इसका सही जवाब जो है वो बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। तो चलिए अब अगला सवाल हम देख लेते हैं। अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका है। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवंतिका किसे मानते थे, यानी कि आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक जो थे वो कौन थे इनमें से, सुरसूत, चवन या धन्वंतरी या चरक। आयुर्वेद के जो महान चिकित्सक थे उनका नाम आपको बताना है। तो फटाफट आप लोग आंसर कीजिए। आप लोग आंसर देने में काफी समय लगा दे, तो एक क्वेश्चन के सिर्फ आंसर आपको 10 सेकेंड में देने हैं। तो चलिए मैं आप लोग को इसका सही आंसर जो है वो बता देता हूँ। तो इसका आंसर सही हो जाएगा धन्वंतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। गुप्त शासक, जो पहले गुप्त शासक थे उनका नाम बताना है। तो सही जवाब आप लोग दे पाएगा तो दीजिए, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, घटोकच या कुमारगुप्त प्रथम। मैं आप लोगों को सही जवाब बता देता हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीगुप्त। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत के व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था, यानी कि रोमन साम्राज्य का जो आक्रमण था, रोमन साम्राज्य का जो व्यापार था वो कब समाप्त हो गया था, यानी कि किसने आक्रमण किया था तो समाप्त हो गया था। तो आपको सही जवाब देना है, अरबों द्वारा, हंगेरियासियों द्वारा, हुर्नों द्वारा या तुर्कों द्वारा। मैं आप लोगों का जवाब का इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। समय सिर्फ 10 सेकेंड है, तो मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूँ। 10 सेकेंड पूरे हो गए हैं, इसका सही जवाब होगा हुर्नों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, आर्यभट्ट और बारा मिहिर के सुविख्यात नाम किसके द्वारा संबंधित है। आर्यभट्ट, बारा मिहिर का सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित, यानी कि आर्यभट्ट जो थे वो किनके युग में थे इनमें से, गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश। आर्यभट्ट और बारा मिहिर किसके युग में थे। 10 सेकेंड में आप लोग को जवाब देना है, जल्दी से दीजिए। चलिए मैं आप लोग को सही जवाब बता, सही जवाब है इसका गुप्त वंश। आर्यभट्ट और बारा मिहिर गुप्त वंश के शासक में थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इलाहाबाद के स्तंभ की उपाधि उपलब्धियां उत्कीर्ण है। इलाहाबाद की जो स्तंभ है उसकी उपलब्धियां जो किसने हासिल की थी ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन आ गया चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। आप लोग ये सारे सवाल रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले साल भी पूछे गए थे और आगे भी
आने की संभावना रहती है, तो आप लोग फटाफट इसका जवाब दीजिए। चलिए काफी लोगों ने सही जवाब दिया है, तो आप लोगों को सही जवाब मैं बता देता हूँ, सही जवाब है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? फाहियान था वो किसके शासन काल में भारत आया था, ये आपको बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार आता है। चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। चलिए काफी लोगों के जवाब आ गए थे, मैं आप लोगों को सही जवाब इसका बता देता हूँ। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से गुप्त शासक के बारे में क्या बात सही नहीं, ये बताना है। उन्होंने मुक्त उत्तराधिकार, मध्य भारत और भागों पर शासन किया था, राजपद वंशज और सिंहासन के सबसे बड़े पुत्र को मिलता था, न्यायपालिका के पहले उपेक्षा बहुत अधिक अधिविकसित थी, भूमि करों की वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य में करों की कमी हुई। इसमें से आपका कौन सा सही है, जो कौन सी कथन है जो गुप्त के शासन काल में नहीं था? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ने सही जवाब दिया होगा, और इसका सही जवाब है राजपद वंशज में बड़े पुत्र को जो अधिकार मिलता था, ये बात गलत है। तो अगला सवाल देख लेते हैं। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। 10 सेकेंड है। चलिए आप लोगों ने, काफी लोगों ने सही जवाब दिया था, इसका सही आंसर होता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं अगले भी वीडियो आप लोगों के लिए इसी तरह से लेके आऊं। तो ये क्वेश्चन जो था उत्तर वैदिक काल से था, और अगला टॉपिक पे भी मैं इसी तरह से टेस्ट लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। बिहार